नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप पूरी लगन से, पूरे मेहनत से एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम फिर से आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेके आए। उसके अंदर बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन होने वाले हैं और आज का इस प्रैक्टिस सेट का पहला जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मेरे से बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाकर रखो, जो मेरे से छोटे हैं या मेरी सी उम्र के हैं वो अपना प्यार और सहयोग लगातार आप हमारे साथ में बनाकर रखो। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सोहना है कहाँ पर, तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर। आपसे पूछे कि सोहना नगर कहाँ है तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। लेकिन ये सोहना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है तो आप बता देना, सोहना जो नगर है ये प्रसिद्ध है गर्म पानी के कुंड के लिए, या गर्म पानी के कुंड के लिए या गर्म पानी के चश्मे के लिए सोहना नगर प्रसिद्ध है। लेकिन ये सोहना, जिसका एक और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि हरियाणा के अंदर एक पुरानी कारों की रैली होती है। हरियाणा के अंदर पुरानी कारों की रैली कहाँ होती है तो आप बताएंगे सोहना में पुरानी कार या विंटेज कारों की रैली होती है, सोहना के अंदर होती है। और सोहना के अंदर पुरानी कारों की रैली जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1964 के अंदर। हरियाणा के अंदर सोहना जो पड़ता है उस सोहना के अंदर पुरानी कारों की रैली होती है और इस रैली की शुरुआत कब हुई थी तो आप बताएंगे 1964 में। ये क्वेश्चन एचएसएससी बहुत बार रिपीट कर चुकी है, सोहना पुरानी कारों की रैली की शुरुआत कब हुई थी, 1964 में। लेकिन प्यारे साथियों, इसी के साथ में आपने एक पॉइंट और याद रखना है कि 1976 के अंदर जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान, तो देश के दो बड़े नेताओं को सोहना गुरुग्राम के अंदर नजरबंद किया गया था, जिसमें चौधरी देवीलाल का नाम आता है और चौधरी देवीलाल के साथ में मोरारजी देसाई का नाम आता है। याद रखिएगा, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार में 1977 में बने थे और 1977 के अंदर ही चौधरी देवीलाल हरियाणा का पहली बार मुख्यमंत्री बना था और रिकॉर्ड उन्होंने 85 सीटें जीती थी। हरियाणा में विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 90 सीटें कब की गई थी, 1977 में। और जब 1977 के अंदर चुनाव हुए तो चौधरी देवीलाल ने रिकॉर्ड 85 सीटें जीती थी। लेकिन उससे पहले मोरारजी देसाई और चौधरी देवीलाल को कहाँ नजरबंद किया था गया था तो आप बताएंगे सोहना में। सोहना कहाँ है, गुरुग्राम में। लेकिन प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, आपने ये भी याद रखना है कि सोहना के अंदर ही हरियाणा की सबसे बड़ी झील पड़ती है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम दमदमा झील है, दमदमा झील जो सोहना गुरुग्राम के अंदर है, जो लगभग 3000 एकड़ में फैली है ऐसा बताया जाता है। याद रखिएगा, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया, सोहना के अंदर, गुरुग्राम के अंदर दमदमा झील है। लेकिन इसी के साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि दमदमा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान किस जिले के अंदर है तो आप बताएंगे योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा गांव है तो आप बताएंगे सैद अलीपुर गांव है। और योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था तो 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तो उसी समय बाबा रामदेव का जन्म हुआ था, 25 दिसंबर 1965 के अंदर सैद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में योग व आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाबा रामदेव। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव जिसका आपने देखा होगा पतंजलि वगैरह का प्रोडक्ट वगैरह, बाबा रामदेव का जिसमें एक दंत कांति है, ये कांग्रेसी वैसे बहुत बुराई करते कांग्रेस वाले, कौन सी मतलब बाबा रामदेव की, देखिए हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, कभी कोई स्टूडेंट हो तो वैसे बहुत बुराई करते हैं, आपने देखा भी होगा, लेकिन ये दंत कांति वगैरह यूज पतंजलि का ही करते होंगे, नहीं तो इस प्रकार से हो सकता है। बाबा रामदेव जिसका वास्तविक नाम रामकिशन है, जिनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव था, आचार्य बलदेव उनके गुरु का नाम है।
बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से कब की थी, तो आप बताएंगे 2006 के अंदर। हरिद्वार से उन्होंने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत की थी 2006 में। उसके बाद में शीतला माता का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर लगता है, तो आप बताएंगे शीतला माता का मेला है, ये शीतला माता का मेला कहां पर लगता है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, गुरुग्राम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। शीतला माता मंदिर 1650 में माता किरपी की याद में बनाया गया था, जो राजस्थानी अथवा मुगलाई शैली से बना है। लेकिन शीतला माता मंदिर साइन बोर्ड कब बना था, तो आप बताएंगे शीतला माता मंदिर साइन बोर्ड 1991 में बना था, जिसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं और जिसका चेयरमैन हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। तो जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है वर्तमान में, वही शीतला माता मंदिर जो पूजा बोर्ड है उसका अध्यक्ष भी है। इसी के साथ में प्यारे स्टूडेंटों ये याद रखना है, शीतला माता हॉस्पिटल भी एक नया हॉस्पिटल बनेगा, शीतला माता हॉस्पिटल, वो भी गुरुग्राम में 650 बेड का नया हॉस्पिटल बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, उसके बाद है 1984 में हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए थे, 1984 के अंदर हरियाणा के अंदर एक फिल्म आई थी जिसके गीत सबसे ज्यादा प्रचलित हुए थे, उस फिल्म का नाम चंद्रावल था। 1984 के अंदर जो फिल्म आई थी उसके गीत सबसे ज्यादा प्रचलित हुए थे, उस फिल्म का नाम क्या था भैया, चंद्रावल फिल्म था। और इससे पिछली क्लास के अंदर हमने बताया था कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की ऐसी रिजर्व सीट का नाम शाहबाद है, और उस शाहबाद के अंदर एक चीनी मिल है जो शाहबाद चीनी मिल के नाम से जानी जाती है, जो 1984 और 85 के अंदर बनी थी। ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस स्थान पर है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस स्थान पर है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है, और उस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं, और उस हरियाणा के ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था, तो आप बताएंगे उस मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 1958 में घोषित किया गया था। तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है, किसका मकबरा भैया, शेख चिल्ली का मकबरा है, ये शेख चिल्ली का मकबरा पड़ता है थानेसर के अंदर, और थानेसर भैया कहाँ है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। ये शेख चिल्ली का मकबरा जिसे किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा के ताजमहल के नाम से। प्यारे साथियों, हरियाणा का ताजमहल है ये, हरियाणा का लाल किला नहीं है। हरियाणा का लाल किला पूछे कि हरियाणा का लाल किला किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे शीश महल फरूफ नगर को हरियाणा के लाल किले के नाम से जानते हैं। लेकिन हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत बार HSSC के अंदर आया है। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का जो ताजमहल है उसके नाम से जाना जाता है, और ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान बना था, और इस शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था, तो आप बताएंगे 1958 के अंदर। दादरी के आगे चरखी शब्द, दादरी के आगे यदि आपसे पूछा जाए कि चरखी शब्द कब जोड़ा गया था, तो दादरी के आगे चरखी शब्द भी 1958 के अंदर ही जोड़ा गया था। क्लियर है, बहुत अच्छे। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ है, बाबा काली कमली वाले का डेरा, बाबा काली कमली वाले का डेरा, बाबा काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, बाबा काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और ये बाबा काली कमली वाले का डेरा स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था। स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने कौन सा डेरा बनवाया था, तो आप बताएंगे काली कमली वाले का डेरा। आपसे पूछे कि काली कमली वाले का डेरा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में, और ये किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने ये डेरा बनवाया था जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, मोरनी की पहाड़ी किस जिले के अंदर है, मोरनी की पहाड़ियों का जिक्र करें कि मोरनी की पहाड़ी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप बताएंगे मोरनी की पहाड़ी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मोरनी हिल्स पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एक्चुअल में ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो शिवालिक माउंटेन रेंज है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, उसी का हिस्सा मोरनी हिल्स है, और मोरनी हिल्स की एवरेज हाइट कितनी है, तो आप बताएंगे 1220 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप बताएंगे करहो, मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर है।
करो जो है ये मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर है, मोरनी हिल्स का ही सर्वोच्च शिखर नहीं अपितु यह पूरे हरियाणा का सर्वोच्च शिखर है। हरियाणा का सर्वोच्च शिखर पूछे तो करो बताएंगे, उत्तर हरियाणा का सर्वोच्च शिखर पूछे तो करो बताएंगे, और मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर पूछे तो करो बताएंगे, और शिवालिक पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर पूछे तो आप करो ही बताएंगे, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, जिसकी ऊंचाई बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? करनाल के अंदर पर्यटन के लिए एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे करण झील। आपसे पूछे भैया कि करण झील कहाँ है, तो आप बता देना करनाल के अंदर। आपसे यदि एग्जामिनर पूछे कि करण झील कहाँ है, करण झील यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता देना करनाल के अंदर करण झील पड़ती है। लेकिन आपसे पूछे कि करण स्टेडियम कहाँ है, तो आप बता देना करनाल में। लेकिन आपसे पूछे कि राजा करण का टीला कहां है, राजा करण का टीला पूछा जाए तो आप बता देना थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसी के साथ में यदि आपसे एग्जामिनर फिर से पूछे कि गौकरण तालाब कहां है, गौकरण तालाब के बारे में यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि गौकरण तालाब कहां है, तो आप हरियाणा की राजनीति की राजधानी रोहतक को चुनेंगे। गौकरण तालाब कहाँ है, रोहतक में। करण झील और करण स्टेडियम कहाँ है, करनाल में। और राजा करण का टीला और राजा हर्ष का टीला कहाँ पर पड़ता है, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माता व निर्देशक सुभाष घई का संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे रोहतक से। सुभाष घई और अशोक घई का संबंध कहाँ से है, रोहतक से। सुनील दत्त, आपने नाम सुना होगा संजय दत्त का। हरियाणा में नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान की शुरुआत सिरसा से हुई थी और उसके ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त है, संजय दत्त जिसके फादर का नाम सुनील दत्त, सुनील दत्त जिसका संबंध यमुनानगर से है। राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री, राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, तो आप बताएंगे नरगिस दत्त, संजय दत्त की माता। उसके बाद में नाम आता है मनोज कुमार, मनोज कुमार एंड पूजा बत्रा जिसका संबंध अभिनय से है, बॉलीवुड से है, जिनका संबंध रोहतक से है। सतीश कौशिक जिसका संबंध निर्देशन से है, अभिनय से है, लेखन से है, वो सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। सोनू निगम जिसका संबंध गायन से है, फरीदाबाद से। वेद गांधी जिसका संबंध यमुनानगर से है। 2003 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता वेद गांधी का संबंध किस जिले से रहा है, तो आप बताएंगे यमुनानगर जिले से। राज तिलक का संबंध जो अभिनय से संबंधित है, जिसका संबंध पानीपत से है। और शशि रंजन जिसका संबंध अभिनय से है, कहां से है, भिवानी से है। उसके बाद में सत्येन कप्पू, सत्येन कप्पू जिसका संबंध अभिनय से है, पानीपत से है। ऋचा शर्मा जिसका संबंध गायन से है, ऋचा शर्मा जिसका संबंध गायन से है, तो आप बताएंगे फरीदाबाद से है। जसविंदर नरूला जो गायक है, जिसका संबंध रोहतक से है। अरविंद स्वामी निर्देशन देता है, निर्देशक है, और जिसका संबंध रोहतक से है। मल्लिका सहरावत जिसका संबंध अभिनय से है, जो कहाँ से है, हिसार से है, मल्लिका सहरावत। हिमांशु मलिक, हिमांशु मलिक व मेघना मलिक, हिमांशु मलिक व मेघना मलिक जिसका संबंध अभिनय से है, कहाँ से है, तो आप बताएंगे सोनीपत से है। जूही चावला जिसका संबंध अंबाला से है, परिणीति चोपड़ा जिसका संबंध अंबाला से है, ओम पुरी जिसका संबंध अंबाला से है। मोहित अहलावत जो अभिनय से संबंधित है, जिसका संबंध पानीपत से है। और टीपी अग्रवाल निर्माता व निर्देशक सोनीपत से है। केपी कौशिक संगीतकार रोहतक से है। रणदीप हुड्डा, प्रसिद्ध जो रणदीप हुड्डा है, इनका संबंध कहाँ से रहा है, तो आप बताएंगे रणदीप हुड्डा का संबंध जसिया गाँव रोहतक से है। रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री मानसून वेडिंग फिल्म से की थी और मानसून वेडिंग फिल्म 2002 के अंदर आई थी। कुरुक्षेत्र के अंदर NIT कब बना था, 2002 के अंदर। और हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत भी कब हुई थी, 2002 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी या एजुकेशन सिटी की स्थापना किस जिले के अंदर हुई है, राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी या राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना कहाँ हुई है, तो आप बताएंगे सोनीपत के कुंडली के अंदर। सोनीपत के अंदर एक स्थान पड़ता है कुंडली, और उसी कुंडली के अंदर राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाएगी।
राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की जाएगी तो आप बता देना कुंडली में, कुंडली कहाँ है तो आप बता देना सोनीपत में, राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी कुंडली है। लेकिन आपसे पूछे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तो आप सोनीपत कुंडली बताएंगे, और आपसे पूछ लेता है नैनो नॉलेज सिटी के नाम से किसे जानते हैं, नैनो नॉलेज सिटी के नाम से किसे जानते हैं तो आप चुनेंगे पंचकुला को। पंचकुला के अंदर नैनो नॉलेज सिटी विकसित की जा रही है, ये पॉइंट याद रखना है। तो साथियों यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही करेंगे, आप लगातार हमारे साथ में बने रहें, हम बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।